हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम अनुज कुमार मौर्य फ्रॉम हरी माया इंटरनेशनल स्कूल. टुडे नाउ दिस क्लास फिफ्थ इन वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइज 2.3. यू नो दिस कंटिन्यू रेगुलरली. अ डेयरी सोल 34,547 लीटर्स एंड 35,289 लीटर्स एंड 24,351 लीटर्स ऑफ अ मिल्क इन 3 मंथ्स. यानी 3 महीनों में जो जितना मिल्क सोल्ड हुआ बिका वो कितना आपको बताना है. हाउ मच मिल्क डिड द डेयरी सेल इन द 3 मंथ्स. तीनों महीनों में जो मिला करके कितना मिल्क सोल्ड हुआ, कितना मिल्क बेचा गया, ठीक ये बताना है. तो चलिए चलते हैं और देखते हैं. फर्स्ट मंथ मिल्क वाज सोल्ड इन फर्स्ट मंथ. तो ये लिख सकते हैं मिल्क वाज sold in first month. ऐसे ही second month का निकालेंगे. milk was sold in second month. third month का भी निकालिए. milk was sold in third month. ये मंथ ही है, ठीक है. चलिए देखते हैं पहले महीने में कितना बिका. 34,547 ये सब लीटर में है. नेक्स्ट 35,289. ओके नेक्स्ट देखिए 24,000. नेक्स्ट वाला जो आएगा 24,351 ये सब लीटर में है. अब इन्होंने क्या कहा, हाउ मच मिल्क डिड द डेयरी सेल इन 3 मंथ. तो टोटल नंबर ऑफ मिल्क सोल्ड, टोटल मिल्क सोल्ड इन 3 मंथ्स. इधर पहले ऐड तो करते हैं, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा. देखिए 9 1 10 10 1 17 17 का 7 carry 1. फिर देखिए 5 8 8 5 13 13 और 4 13 1 14 14 4 कितना जाएगा 18 18 का 8 carry 1. फिर देखिए 5 2 7 7 3 10 10 1 11 11 का 1 carry. देन इसके बाद में 1 carry यहाँ है, 1 ऊपर लिखेंगे. 4 4 8 8 5 13 13 1 carry 14, ठीक. इसके बाद में 1 carry फिर से आ गया 3 3 6 7 8 और 1 9. तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है. तो 94,187 लीटर, ये आंसर किस में आएगा, लीटर, ठीक है, लीटर्स में आएगा. इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो यूनिट दे रखी होगी उसी यूनिट में हम लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी को. तो टोटल मिल्क सोल्ड इन 3 मंथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. डीपली नहीं जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, शॉर्ट में लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, स्टूडेंट्स यूनियन कलेक्टेड 56,789 रुपीज इन 2016 एंड 34,540 इन 2017 एंड 23,551 इन 2018 आर द कलेक्टेड एंड 32,451 इन 2019 फॉर द रेड क्रॉस सोसाइटी. हाउ मच मनी डिड दे कलेक्टेड, यानी टोटल पैसा जो कलेक्ट किया गया वो कितना कलेक्ट किया गया, ठीक है. तो कलेक्टेड मनी इन 2016 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी इन 2016, ठीक. स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी इन 2017
ठीक। फिर अगले वाले में स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी इन 2018। फिर अगले वाले में स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी इन 2019। अब सबका निकाल लेते हैं, सबका लिखिए और फिर इनको ऐड कर दीजिए। 2016 में कितना है? 2016 में है 56,789 रुपीज एंड 34,541 रुपीज। नेक्स्ट वाले में क्या है? 23,551 रुपीज। एंड नेक्स्ट 2019 में क्या है? 2019 में है आपका 32,451 रुपीज़। ये कुछ है इस तरीके से। तो टोटल पैसा जो स्टूडेंट्स के द्वारा कलेक्ट किया गया वो कितना है, हमको वो निकालना है। तो टोटल पैसा जो कलेक्ट किया गया स्टूडेंट्स के माध्यम से वो कितना है, तो इनको क्या करिए, सबको सम करिए, क्या करिए, ऐड करना है, ऐड करिए। 9 और 1 10, 11, 12 12 का 2 कैरी 1। अगला देखिए 8 और 4 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 12 और 10 22 और 1 कैरी कितना हो जाएगा? 23 कैरी कितना हो गया? 2। फिर देखिए 5 5 10 ये तो ऐसे हो गया। 11 11 12 13 13 13 और ये 10 तो फिर कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 13 और 10 23। फिर कैरी कितना? फिर 2 6 4 10 10 और 5 15 15 और 2 70 70। ठीक है, कितना कैरी बचा? 1 1 कैरी। फिर से हम लिख लेते हैं 5 3 8 8 2 10 10 3 13 और 13 1 कैरी 14। ठीक है, यह है तो टोटल नंबर ऑफ मनी, टोटल स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी, टोटल स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी, कलेक्टेड मनी इन दीज इयर्स, इन दीज ईयर इज 14 73 32 40। इतना लिखा टोटल स्टूडेंट कलेक्टेड मनी इन दिस ईयर्स एंड कितना हो जाएगा बोलो? 14,07,332 14,07,322 रुपीज़। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चन इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।